अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सानिया बेगम है। मैं फलकनुमा अलजुबैर कॉलोनी में रहती हूँ। बेवा हूँ मैं, मेरे को चार बेटियाँ हैं, एक बेटा है। मेरे बच्चियाँ दो शादीशुदा है, दो बच्चियाँ इवेंट्स पे जाते, मेरे वेटर्स का काम करते। मेरे बच्ची एक मेरे अपार्टमेंट में बच्चा रहता, आमिर बोल के नाम है उनका। वो बच्चे से आशिकी करी मेरी बच्ची, तो बच्ची को 5 महीने से सिखा के धमका के कामों पे से यहाँ वहाँ ले लेके चले जा रही। बच्ची का काम छुड़ा दिए, सौंप कर दिए बच्ची को। 5 महीने 6 महीने से सिखा के वो करके मैं कितना भी समझाऊँ नहीं समझ रही बच्ची। आज मैं बर्दाश्त के बाहर होके जो आके या उनकी अम्मी को बोलने जा रही थी कि बच्चा बच्ची को भगा के लेके जा रहा, मैं बोलने ही जा रही हूँ। वो उनके आमिर का भाई असद और निसार जो MIM के बस्ती के लीडर है साजिद भाई, उनका भतीजा, वो मिलके बच्चे मिलके मेरी बच्ची के ऊपर, दो बच्चियों के ऊपर मेरे ऊपर अटैक करे, और 1 साल की बच्ची भी थी उसमें। सुने नहीं, हम लोगों को लिड़ा लिड़ा के मार। मैं मुबीन साहब को फ़ोन कर रही हूँ MIM के, उन्होंने फ़ोन उठा के बोल रहे हैं कि कई को फोन कर रहे, कई को ऐसा कर रहे बोल के, वो किसी को बोले कहते मेरे बच्चे। MLA मुबीन साहब को करे तो रिस्पांस नहीं दे रहे। अफरोज शाह को फोन करे तो बेचारे इस रिस्पांस दिए, आ रहा मैं 11वीं में हूँ बोले। मैं नहीं था बस्ती में, 11वीं में घर में। मेरे को समझ में, वो असद मारा और उनके बच्चियाँ, उनके अम्मा, उनके फुप्पुआ और लीडर साहब साजिद भाई का बच्चा निसार, उन्होंने MIM के लीडर है, एरिया के लीडर है उन्होंने। मैं असद साहब को भी फोन कर रही हूँ, मैं अभी मिर्जा RMX बेग साहब को फोन कर रही, तो उनसे बात करे, बात करके ACP साहब से बात करते बोले कुछ भी रिस्पॉन्स। मेरे को इंसाफ असद साहब से होना, इतना इंसाफ होना है। MIM में आए बोल रहे हैं, MIM के धमकियाँ देखे हमारे को ऐसा बोल रहे हैं। PS में आए तो हमारे MIM के लोग आए, हमारी बात सुनते बोल रहे। मेरे यहाँ PS में लिखा रहे आके रिस्पांस नहीं दे रही, केस लेके रिस्पांस नहीं दे रहे। मेरे को जब से फिर आ रहे, मैं असद साहब को फोन कर रही, मुबीन साहब को फोन कर रही, रिस्पांस नहीं दे रहे। पुलिस भी आ रही नहीं, घर पे मार रही, कुनल कुनल के मार रहे तो भी आ रहे नहीं। मेरे को बस असद साहब से ये इंसाफ होना, आपकी पार्टी में है बोरे ना साहब, तो बेवा उनका इंसाफ नहीं है। बेवा उनका इंसाफ करते बोलते ना असद साहब, आप हमारा भी इंसाफ करो। एक जेंट्स को, एक लेडीज को कैसा मारते असद साहब, कौन भी बोलो आप बोलो। उनका नाम साजिद भाई है, साजिद भाई तो नहीं थे, उनका भतीजा है, बस्ती के लीडर। पुलिस वाले नहीं दे रहे रिस्पॉन्स, खाली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर MSC करा के बल्लागुड़ा PS है। क्या बोल रहे पुलिस वाले? नहीं बोल रहे कुछ भी, खाली लोगों से बात कर लिए ऊपर, वो साजिद भाई लोगों से बात कर लिए, हमारे को धमकियां दे रहे, घर खाली करा डालते तुम लोगों को, रोड पे ला डालते, बल्कि पूरे बस्ती वालों को एक कर लिए। ज्यादा कुछ बोलते MIM का डाक डालते रहते कई को भाई। MIM में इंसाफ नहीं मिलता लेडीज को, आप लगा बोलो भाई। मैं मुबीन साहब को फोन कर रही हूँ इंसाफ के लिए, मुबीन साहब फोन नहीं उठा रहे। आखिरी में मिर्जा अहमद बेग साहब उठाए। आपको मार रहे हो? मेरे को, मेरे दो बच्चियों को, दूध की बच्ची थी उसको अंदर भेज दे के बच्चियों को लिड़ा लिड़ा के मारे मेरी बच्ची को। पूरा असद है और निसार है, दो जने और दूसरे बहुत बच्चे भी थे, पूरे आधे बस्ती वाले थे। इंसाफ होना उनके, ऐसा पार्टी के बोल के डराते कई को भाई, गरीबों के ऊपर ऐसा जुल्म होता क्या बोलो। असद साहब को भी फोन करी मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मेरे ख़िलाफ़ मेरी फैमिली या ये कुछ मेरे ख़िलाफ़ गलत बोल रही है वो सब झूठ है। क्यों बोलते हैं, मैं भागी करी कुछ भी नहीं, आगे वाला सब एग्री करा था बात पे, और मेरे मम्मा को फ़ोन भी करा था कि मैं लेके जा रहा हूँ बच्ची को, क्योंकि मैं बाहर इसलिए गई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे को मतलब 4 बजे से मार रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं अनकम्फर्टेबल थी, तो मैं उसको बोली कि मैं हॉस्पिटल को जा कहेंगे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही बोल। तो उसके बाद मम्मा बोले मेरे को ठीक है जाओ जाके आओ, उसके बाद हॉस्पिटल को जाके आ, बस से मैं घर को आ बोल के बोले, तो मैं ठीक है बोली। रास्ते में फिर फ़ोन करे ऐसे ऐसा बोले, PS को जा रही हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ बोल के बोले, और असद के बहना कोई भी किसी को भी हाथ नहीं लगाए, असद को उल्टा मारे, उसको गले पर मारे,
उसको पूरा बॉडी वो करे सब करे। और मम्मी का इल्जाम है कि ये लोग मारे। नहीं मारे कोई, मेरी अम्मा नहीं होती वो, अगर मम्मा रहती तो मेरी मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, मेरे खिलाफ कुछ नहीं करती थी। मेरी अम्मा होती मेरे को 4-5 महीनों से मार लेते वाली, मेरे को टॉर्चर कर रही थी, तू ये कर वो कर, घर में नको रहे, पैसे लेके आ। और मैं डेली उनको कंटिन्यू पैसे दे रही थी, 700-800, 1000, 1400 ऐसा दिन। मैं जॉब करती, इवेंट्स करती हूँ, आगे वाला भी मेरे साथ टॉर्च कर रहा था, गंदा बैड टच कर रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी वहाँ पे। क्यों बोलता हूँ, मेरे को महंगा फटोल दिख रहा था वो काम, इसलिए मैं नहीं गई थी। घर में बैठ के पैसे देती हूँ बोलती थी घर वालों को, तो ठीक है एग्री हो गए थे वो बात पे, इसलिए मैं डेली पैसे दे रही थी। तो उस पर भी उनको लड़ना ही था कि पैसे कमाए, डेली इतने दियो उतने दियो, आगे वाले के ही पैसे दियो ये दियो बोल के बोल रहे थे। तो मैं डेरी उनकी एग्री होकर बात पे, फिर डे बाद से भी इतना टॉर्चर कर रहे थे मेरे घर वाले, मेरे को इतना वो कर रहे थे कि मैं घर में रह नहीं पा रही थी। वो उनको ने आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में 3 बहना है, मैं उनकी बहन नहीं होती, जो मेरे बहना है, अगर बहना रहे तो मेरे खिलाफ ऐसा नहीं करते थे उन लोग। तो ऐसा क्या हुआ आज? मेरे बहना मेरे को ऐसा टॉर्चर करते थे, मारते थे, करते थे, गालें देते थे। अम्मी भी ऐसा करते थे मेरे साथ, ये करना तू वो करना, रोज मारते थे, बहना भी मारते थे मेरे। आज मेरे किससे, मेरे बीएफ के भाई पे हाथ उठाए उन लोगों, ऐसा मारे उसको, ऊपर जाके मारे, बहनों को मारे, ये करे वो करे, उल्टा भी आय करना दिखा रहे की रिपोर्ट, मेरे भाई बेटियों को मारे, 4 बेटियों को मारे, ये करे बोल के दिखा रहे थे। सब झूठ है, मेरे वालदा का सब झूठ है। अगर मैं सच रहती तो मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं रहती थी इन लोगों के खिलाफ। कोई लीडर भी है, उन्हें भी डराए बोल के बोल रहे हैं। कोई भी नहीं थे घर पे, मैं सब बोल रही ना आप लोगों को, अगर मैं झूठी तो आप मेरी फैमिली सही है। कोई छोटा बच्चा है 1 महीने का, उनके ऊपर भी अटैक करे बोल रहे हैं। कोई नहीं थे घर पे, बहन अलग रहती है यहाँ पे, इधर रहती शाही नगर में रहते 2 बहना भी, और दूसरी बहन आके रिपोर्ट भी लिखाई थी कि मेरे को मारे, वो दोनों बहन अलग रहते जब कोई नहीं थे घर पे। झूठ बोलने की वजह क्या आपके वालदा? बस यही कि 5 महीने से टॉर्चर कर लेते बाहर थे, घर में नहीं रहना बोलती, यही रीजन है उन लोगों का बस। आप नहीं रहना, नहीं रहना बोल के हैं। आप अपनी मर्जी से करें शादी, शादी करें, आप क्या करें? नहीं होगी मेरी शादी वादी कुछ। आपकी मम्मी बता रहे भाग के बच्ची के साथ, भागी ना, मैं घर में इन्फॉर्म करी थी कि मैं हॉस्पिटल को जाके आ रही हूँ बोल के, ओके भी थे उन्होंने, एग्री भी थे वो बात पे। आपकी एज क्या है? 20 है मेरी एज। 20 है, आपकी मम्मी बता रहे 18 से कम है? नहीं नहीं 20 है, वहाँ पे है आधार कार्ड पे लिखे, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। बेटा आपकी एज कितनी है? 20 है ना, आपकी पैदाइश मालूम आपको आधार कार्ड पे क्या है? 2004 आई थी। 2004 के ना? हाँ। आप मेजर है ना? जी। तो आपकी वालदा बोले मैनर है बोलके? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब फेक है बोलते हो, इतना बुरा लिखा है मेरे खिलाफ, सब फेक है। तो आपकी शादी हो चुकी है? नहीं हुई अभी शादी वादी कुछ नहीं हुई। बोला ना बच्चा लेके शादी ना हमें बात, शादी से पहले ऐसा करे, शादी हुई बस से मेरे को तो अलग ही कर डालेंगे ना, हमारे घर में उसके कोई लोग हमला करे कोई ना करे, कैमरे है चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कैमरे है, ऑलरेडी कैमरे है। एक ही फ्लोर के ऊपर आप लोग रहते हैं? हाँ, फर्स्ट पे 0 नहीं, ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते हैं। तो आप वो बच्चा कौन है? वो जो बच्चा है मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो जो दूसरा भाई है उसका, उसका भाई है वो। ओके, फिर तो उसके बाद नहीं घर में इन्फॉर्म करी थी मैं, नहीं घर में इन्फॉर्म करी गई थी मैं, हॉस्पिटल को जा रही, मेरी तबीयत खराब हो रही, क्योंकि मेरे 4 बजे से मेरे घर वाले मार रहे थे, इसलिए गई थी मैं। हाँ, अब तक जब से लेके अब तक मेरे को मार लेते, और मेरे यही आज पैसे नहीं थी मैं बोल के, कैसे पैसे मैं जाती इवेंट्स पे बोल के, माँ आपको क्या नौकरी करा के पैसे लेते? हाँ, घर में पैसे लेके आना तो नको रहा बोलते, मैं निकल गई थी हॉस्पिटल को जा रही हूँ। हाँ, निकल गई मैं, रोज निकली मेरे बीएफ के साथ निकली थी हम बाहर। इसका क्या नाम है? आमिर है। आमिर है जी। तो अब आपका आमिर यहाँ पे है बीएफ में? जी हाँ। तो आप तो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बस यही बोलना चाह रही हूँ आपको, पीएस यही के एक्शन लेते बोल रहे हैं लोग। नहीं, आपको हाँ कर रहे ठीक है ना, क्योंकि आप मेजर मेजर है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं आप। हाँ। आपकी अपनी जी, अभी मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी लिखा है मेरे खिलाफ वो सब फेक है, और मैं घर में रहना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे को अगर मैं घर में गई तो मेरे घर वाले फिर से मेरे को टॉर्चर करते, फिर से मारते, फिर से बाहर भी जाए थे, इसलिए मैं नहीं रहना चाह रही हूँ दूसरी जगह। नहीं, उन लोगों का यही सवाल है कि पैसे लेके आओ तो रहो घर में, नहीं तो मत रहो बोल के ना भिजा दे रहे बार बार। सवाल करूँ ना मेरी फैमिली से? मैं वही सवाल करी मेरी फैमिली से, मैं नहीं कमा सकती हूँ, मैं वो काम पे बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ, नहीं समझ में आ रहा वो काम। आपके जो जी हाँ, तो अभी कर लेते हैं पुलिस कस्टडी में। हाँ जी, कर लूंगी। ठीक है, ठीक है।